अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये मेरे फ्रेंड का सेटअप है, दावकत भाई का। इनकी ब्रीडिंग सेटअप मैं आपको दिखाता हूँ, ब्रीड प्रोग्रेस भी चेक करवाता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। माशाल्लाह जी, दो अंडे इसने दिए हुए हैं। बहुत अच्छा पेयर है ये। ये एक इंडियन फैंटेल का पेयर है। इसके नीचे अंडे फोस्टर किए हुए हैं। पहला क्लैची इसने, ये अभी सेल्फ होने वाला है। ये सात जो इसके बैठे हुए हैं, ये भी सेल्फ होने वाले हैं। और दूसरे अंडे फोस्टर किए हुए हैं इसके अंडे, मैगपाई के अंडे फोस्टर किए हुए हैं। इसका जो जिस पेयर के अंडे फोस्टर किए हैं, वो भी मैं आपको चेक करवाऊंगा आगे चल के। माशाल्लाह जी, इसने भी दो अंडे दिए हुए हैं। काफी पेयर के नीचे अंडे हैं इनके। माशाल्लाह, इस पेड़ के अंडे इंडियन फेयरटेल के नीचे फोस्टर किए हुए थे। माशाल्लाह, इसकी कटिंग चेक करें, बहुत अच्छी कटिंग है। और इसकी लेइंग चेक करें, एग लेइंग। अभी उसके नीचे दो दो पेयर हो गए हैं। उसके नीचे अभी भी इसने खुद अंडे दिए हुए। पहले अंडे उसके नीचे, पहला जोड़ा निकला हुआ बच्चों का, फिर अंडे दिए हुए फेंटेल के नीचे और इसके नीचे भी अंडे। माशाल्लाह, ये ब्लू में इनका पट्टू का पेयर तैयार हुआ है। अभी इसने लेइंग की हुई है, दो एग्स हैं इसके नीचे। इंशाल्लाह ये भी बच्चे निकालेंगे, तब भी मैं आपको वीडियो इसकी शेयर करूँगा। इंशाल्लाह ये इसको लाइन को फ़ायदा दे। इससे काफ़ी महंगा पेयर ये इन्होंने लिया हुआ है। ये पेयर आप दोबारा चेक करें, ब्लैक कटिंग में है मेल है, रेड कटिंग में फीमेल है। बहुत अच्छा पेयर है। इसने भी लिंक की हुई है, दो एग्स दिए हुए हैं इसने। माशाल्लाह बहुत अच्छा पेयर है। कटिंग इनकी बहुत माशाल्लाह बहुत आउट क्लास है। माशाल्लाह, ये इनका एक और पेयर है, रेड कटिंग में है। अभी इसने लिंक नहीं की हुई, इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये लिंक कर जाएगा। लेकिन बड़ा अच्छा पेयर है ये इनका। यह आप देख सकते हैं, इंडियन फेंटेल इस मैगपाई के बच्चे को फीड करवा रहे हैं। ये इंशाल्लाह सेल्फ होने वाले, बाहर निकल आए, सेल्फ हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये जनाब, इनकी शर्ट का ओवरव्यू है। तो आपको पता है ये कश्मीर है, तो कश्मीर में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। मिट्टी वाली शर्ट कबूतरों के लिए बहुत अच्छी रहती है, उनको सर्दी में बहुत प्रॉब्लम नहीं होती, गर्मी में भी बहुत प्रॉब्लम नहीं होती। गर्मी में ये ठंडी हो जाती है और सर्दियों में ये गर्म हो जाती है। ये इनके काफ़ी सारे चीक्स पिछले क्लच के बाहर निकले हुए हैं। तो इस टाइम फेंटेल इन्हें फीड करवा रहे हैं। इनके फेंटेल का सबसे अच्छा ये है कि ये किसी भी चीक्स को ना आराम से फीड करवाते हैं, चाहे वो खुद पाला हो इन्होंने या ना पाला हो, फीड ये करवा देते हैं खुद से। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।